हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बेबी के लॉन्ड्री से रिलेटेड चीज़ें। सो बेसिकली जब आप बेबी के क्लोथ्स वॉश करते हो तो डेफिनेटली उसे अलग वॉश करोगे, बाकी चीज़ों के साथ मिक्स नहीं करोगे, स्पेशली इन दिस कोरोना वायरस सिचुएशन। सो मैं अपने बेबी के लिए जो डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ मैं आपको वो बताती हूँ। तो जो पहला डिटर्जेंट है जिसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है वो है मम्मा अर्थ डिटर्जेंट। सो बेसिकली ये जो मम्मा अर्थ लॉन्ड्री डिटर्जेंट है ये है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एज यू नो नेचुरल फॉर्मूला विथ बायो एंजाइम्स एंटी बैक्टीरियल एजेंट। सो ये 0+ मंथ के यूज करते हैं और ये 200 ml बॉटल है जो मुझे 200 rupees में मिला है। सो बेसिकली ये जो है ये क्लीनिंग की कॉटन लाइन्स, आप जिस तरह की भी फैब्रिक है बेबी की वो आप यूज़ कर सकते हो, इनफैक्ट आप वुलन भी यूज़ कर सकते हो। सो मैं अभी फिलहाल ये मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद आते हैं। उसके बाद जो मैं सेकेंड प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ वो है हिमालय। यस, मैं हिमालय का ये बेबी लॉन्ड्री डिटर्जेंट है वो भी यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे पड़ा था 1 लीटर इन 425 rupees। तो ये जो है ये नीम एंड लेमन नेचुरल एंटी बैक्टीरियल इन्ग्रीडियंट्स है, नेचुरल डिराइव एंटी रिडोपोशनल स्टेन रिमूवल एजेंट है एंड बायोडिग्रेडेबल वन स्टेप टू सेव द अर्थ, राइट। सो ये जो है ये एंटी बैक्टीरियल है, जेंटल टू हैंड है, टच ऑन स्किन है, ये नो हार्श केमिकल है। सो बेबी की जो डिटर्जेंट आती है वो आप जानते हो कि उसमें कोई हार्श केमिकल नहीं होते, जैसे कि जो बड़े लोगों के डिटर्जेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और जो बेबी के डिटर्जेंट होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। तो मैं फिलहाल ये हिमालय जो कि बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है और ये मम्मा अर्थ जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये दो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ जो मुझे दोनों ही काफ़ी पसंद आते हैं। बट हाँ, अगर देखें तो अगर ये दोनों में वेटेज करें तो मुझे मम्मा अर्थ प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि इसमें खुशबू है, सब कुछ है, बट ये यूज़ करने के बाद एक अलग सा फील आता है जो ऐसा लगता है कि वो बेबी के लिए बिल्कुल सेफ है। ये भी सेफ है बेबी के लिए, बट इसमें जो कुछ नीम एंड लेमन जो कुछ फ्रेगनेंस डाला है वो मुझे उतना पसंद नहीं आया। सो आई लाइक दिस वन। और उसके बाद बेबी के कपड़े वॉश करने के बाद जो मैं यूज़ करती हूँ वो है डिटॉल लॉन्ड्री वॉश। यस, ये लॉन्ड्री सैनिटाइज़र है जो मैं कपड़े वॉश करने के बाद इसको डालती हूँ और मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। सो मैं कपड़े वॉश करने के बाद इसे 2 ढक्कन इसमें से डालती हूँ और ये मुझे ऑलमोस्ट 290 rupees में पड़ा था और ये भी 1 लीटर है और ये मुझे बहुत पसंद आया है। एंड ऑफकोर्स दिस इज़ ट्रस्टेड प्रोडक्शन, डिटॉल आप जानते हो कितनी बड़ी ब्रांड है और ये बहुत ही सेफ है। सो आई लाइक दिस। और उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वो है मिमी का लिक्विड क्लींजर। यस, इससे बेसिकली मैं यूज़ करती हूँ बेबी का बॉडी क्लीन करने में, बट गाइस इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। इससे आप बेबी का बॉटल, बेबी का पैसिफायर, बेबी के क्लोथ्स भी और फ्रूट्स सारी चीज़ें क्लीन कर सकते हो। बट यस, मैं क्लोथ्स के लिए इसे प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि क्लोथ्स पर अलग डिटर्जेंट आते हैं। बट यस, इसमें आप देख सकते हो कि ये वाटर क्लीन करने के लिए, एप्पल फ्रूट्स क्लीन करने के लिए, पेस्टिसाइड क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। मैं बेसिकली इसे बेबी का बॉटल क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ और ये मुझे बहुत पसंद आया, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। सो ये मुझे पड़ा था ऑलमोस्ट, लेट मी चेक, यस 349 rupees में। यस, ये मुझे 349 rupees में पड़ा था और ये 300 ml है। मैं पर्सनली इसे बहुत लाइक करती हूँ, बट ऑफकोर्स मैं इसे बस बेबी के बॉटल क्लीन करने के लिए ही यूज़ करती हूँ। सो ये सारे प्रोडक्ट करेंटली मेरे फेवरेट हैं जो मैं अपनी बेबी के लिए यूज़ करती हूँ और स्पेशली लॉन्ड्री से रिलेटेड चीज़ें जो मैं आपके साथ बहुत टाइम से शेयर करना चाह रही थी। सो गाइज, दीज ऑल द प्रोडक्ट दैट आई लाइक वेरी मच, स्पेशली द लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स एंड मम्मा अर्थ प्रोडक्ट। सो होप यू लाइक इट एंड एंजॉय इट। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग गाइज, बाय।